नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 हाईटेक चोरों को किया गिरफ्तार, 6 लग्जरी कार भी बरामद। प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 ऐसे हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी गाड़ियों को मिनटों में लॉक खोल कर उड़ा लेते थे। पकड़े गए लोगों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 6 लग्जरी कार भी बरामद हुई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े रामू उर्फ राजकुमार, मोहम्मद सार, प्रेम कुमार, मोहम्मद मैनुद्दीन, सुनील कुणाल, शिवान बिहार के ये 5 लोग ऐसे शातिर हैं कि लग्जरी कारों के शीशों पर टेप चिपका करके उसे काट देते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके गाड़ी का लॉक खोलते और मास्टर की से उसे स्टार्ट करके लेकर रफ चक्कर हो जाते थे। एसओजी नार कोटिस महावीर सिंह और सर्विलांस प्रभारी संजय सिंह, एसओजी गंगापार के प्रभारी मनोज सिंह लग्जरी गाड़ियों को चुराने वाले गैंग के पीछे पड़ी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कैंट इलाके में घेराबंदी करके इन 5 चोरों को पकड़ लिया है। पूछताछ में इन लोगों ने गाड़ियों को चुराने का तरीका और उसे बेचने का पूरा जुगाड़ पुलिस को बता दिया। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने 6 बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी चोरी की बरामद कर ली है। पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास है और कई शहरों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। अभी विगत कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर साहब की गाड़ी और एक ब्रेजा कार एक ही रात में जो है फॉर्चूनर और ब्रेजा दो गाड़ियां चोरी हुई थी। उसमें हमारी एसओजी टीम में जो नारकोटिक्स की टीम है इन लोगों ने तत्परता बरती और गाड़ियों को ट्रैक किया, जिसमें चोर जो है वो बरामद हुए गाड़ी के साथ पकड़े गए और 5 अभियुक्त उसमें पकड़े गए थे और 5 गाड़ियां जो लग्जरी कार्स थी उनको भेजा गया था। कुछ दिन बाद जो है 2 गाड़ियां और 2 अभियुक्त भेजे गए और अभी उसी कड़ी में ये लगे हुए थे, उस सीरीज में जो लोग बचे हुए थे उनकी तलाश में थे। तो ये 6 गाड़ियों के साथ 5 स्कॉर्पियो और 1 फॉर्चूनर के साथ पकड़े गए हैं। इनका काम करने का तरीका वही है कि गाड़ियों के शीशे पे टेप लगा करके और उसके शीशे को काट कर और उनके जो लॉक है उसको डिवाइस लगा के तोड़ते हैं, उसमें कोड वगैरह डालना। फिर ये जो एक्सीडेंट की हुई गाड़ियां रहती हैं या जो गाड़ियां कट गई रहती हैं किसी कारणवश, तो उन सब के नंबर्स को ये टेम्परिंग करके उसमें नंबर डालते हैं, उनका निबंधन करना, ये नए नंबर भी जो है क्रिएट करके डाल देते हैं। ये जो हमारे भी टीम के प्रभारी हैं एसओजी महावीर, इन लोगों ने पूछा, हमने भी पूछताछ करी, तो इन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है, फिर बाद में उन पे नए नंबर डाल देते हैं और उन गाड़ियों को कोई आदमी जान नहीं सकता। ये बिहार में एआरटीओ ऑफिस और वहाँ के जो दलाल हैं उन लोगों से मिल करके उनका रजिस्ट्रेशन एकदम पक्का करके और बहुत सस्ते दामों पर गाड़ियों को बेच दिया करते हैं। सर, अभी इसमें और गैंग में लोग हैं? हाँ, अभी ज़रूर हैं लोग जो इसमें और संलिप्त हैं, पूछताछ से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।